In the name of Allah, Assalamu Alaikum, dear students of class 12th, welcome to all of you in this online session of sociology class. Dear students, today we are going to discuss the concept of social discrimination, or we can say our today's topic is social discrimination. Dear students, as you know,

एक के पास मनी होता है दूसरे के पास मतलब ग्रेट शेयर किसी के पास ज्यादा होता है किसी के पास कम होती है या इसी तरह प्रॉपर्टी एक ग्रुप के पास ज्यादा प्रॉपर्टी होती है दूसरी ग्रुप के पास कम प्रॉपर्टी होती है इसी तरह एजुकेशन पावर हेल्थ ठीक है सो दीज आर द थिंग्स ऑन विच the द पीपल आर क्लासिफाइड वी कैन से higher status or the lower status. और जिनके पास ये चीजें कम होती हैं, उनको सोसाइटी में या तो हम उनको पुअर के नाम से पुकारते हैं या उन लोगों को मार्जिन मार्जिनाइज सेक्शन के नाम से पुकारा जाता है और इन चीजों के आधार पे सोसाइटी में जो होते ग्रुप्स पैदा होते हैं जिनके पास ये चीजें ज्यादा है वो सुपीरियर माने जाते हैं जिनके पास ये चीजें कम है उनको इंफीरियर माना जाता है तो इस आधार पर सोसाइटी में एक खलिश पैदा होती है एक कैन से बैरियर पैदा होता है जिस चीज को जस्टिस ने नाम दिया सोशल डिस्क्रिमिनेशन क्या नाम दिया है सोशल डिस्क्रिमिनेशन सोशल डिस्क्रिमिनेशन में यह चीजें होती है कि जो सोसाइटी का ताकतवर ग्रुप होता है या जो सोसाइटी का अमीर ग्रुप होता है वो जो दूसरा सेक्शन होता है गरीब तबका या कमजोर तबका उनको इन्फीरियर माना जाता है इस इन्फीरियॉरिटी को नाम दिया गया है सोशल डिस्क्रिमिनेशन और वी कैन से दैट डिस्क्रिमिनेशन स्पेशली ऑकर्स व्हेन इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स और अनफेयरली ट्रीटेड हालांकि सोसाइटी में दोनों मतलब एक ही एरिया में रहते हैं लेकिन एक के पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है ज्यादा प्रॉपर्टी है दूसरे के पास ये प्रॉपर्टी कम है तो जिसके पास कम है जो अमीर लोग हैं, उनको अनफेयर ट्रीट करते हैं ठीक है उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं इन ए वे विच इज वर्स देन अदर ठीक है वो उनको अपने से मतलब कम तर समझते हैं पीपल आर ट्रीटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्चुअल और परिवर्ड मेंबरशिप जो सोसाइटी में मेंबरशिप है या जो सोसाइटी में जो रोल प्ले करते हैं मेंबर्स फॉर एग्जांपल सोसाइटी में कोई अपर स्टेटस पे है तो कोई लोअर स्टेटस पे है ठीक है सोसाइटी में कोई अच्छा जॉब करता है तो दूसरा जो उसके पास वो मतलब अच्छा जॉब नहीं है जो सोसाइटी में नि निचले जॉब्स है या जो सोसाइटी में निचली अपॉर्चुनिटीज है उन लोगों को सोसाइटी में इनफीरियर तस्वर किया जाता है इस चीज को नाम दिया गया है सोशल डिस्क्रिमिनेशन सोशल डिस्क्रिमिनेशन में जो खास चीजें होती हैं किन चीजों के आधार पर सोशल डिस्क्रिमिनेशन की जाती है सोशल डिस्क्रिमिनेशन इज डिफाइनड एज अ सस्टेनड इनिकवालिटी ठीक है सस्टेनड इनक्वालिटी इक्वल अपॉर्चुनिटीज सोसाइटी में हर के हर किसी के पास नहीं होती है और किसी सोसाइटी में इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं होती है जो इन इक्वल अपॉर्चुनिटी सोसाइटी में होती है इंडिविजुअल्स के दरमियान या ग्रुप्स के दरमियान अक्सर देखा गया है या अक्सर यह देखने में है कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ इलनेस ऑफ डिसेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ इलनेस कोई मतलब इंसान ताकतवर है ये बिल्कुल फिजिकली फिट है दूसरा बीमार है या इसे कोई डिसेबिलिटी है तो इस इसके साथ सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन की जाती है ठीक है जो फिजिकली फिट है जो मेंटली फिट है वो अपने आप को इनफीरियर मानता है और जो फिजिकली वीक है या फिजिकली डिसेबल्ड है तो उसको सोसाइटी पे इंफीरियर माना जाता है वो अपने आप को सुपीरियर मानता है और ये अपने आप को इन्फीरियर समझता है या ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं किसी कंट्री की तो वहां कोई रिलीजन मेजॉरिटी में है जो मेजोरिटी रिलीजन से बिलोंग करते हैं वो अपने आप को इनफीरियर सॉरी सुपीरियर मानते हैं वो अपने आप को पावरफुल मानते हैं और जो माइनॉरिटी में है उनको वहां पे इनफीरियर तस्वर किया जाता है या वीकर सेक्शन तस्वर किया जाता है ऑन द बेस ऑफ रीजन ऑन द बेस ऑफ रीजन जो लोग या सोसाइटी में जो तबका सिटीज में रहता है अर्बन एरियाज में रहता है वो अपने आप को सुपीरियर मानते हैं जो लोग रूरल एरियाज में रहते हैं उनको इनफीरियर माना जाता है दिस डिस्क्रिमिनेशन दिस ऑल इज डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट ठीक है अगर आप इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं तो ब्रह्मनाज जो है दिस द अपर स्ट्रट ऑफ सोसाइटी और जो हरिजन और वी कैन से शूदराज लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी ब्रह्मराज को सुपीरियर मान माना जाता है और ये जो शूदराज है इनको इनफीरियर माना जाता है दिस इज डिस्क्रिमिनेशन दिस इज डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेस ऑफ सेक्स मेल एंड फीमेल मेल सेक्शन को सोसाइटी में पावरफुल माना जाता है जबकि फीमेल सेक्शन को सोसाइटी में वीकर माना जाता है सो दिस ऑल इज नोन एज सोशल डिस्क्रिमिनेशन ठीक है थैंक यू